हरिओम। शिरडी रथयात्रा 1996। सर्वप्रथम रथयात्रा थी सदगुरु श्री अनिरुद्ध जी के दिग्दर्शक गुरु रहने वाले श्री साईनाथ जी की शिरडी की रथयात्रा इतवार 22 सितंबर 1996 को परम पूज्य अनिरुद्ध जी, नंदाई और सुचित दादा के साथ बड़ी खुशी के साथ शिरडी रथयात्रा की शुरुआत हुई। श्री क्षेत्र शिरडी में दोपहर के खाने के बाद सदगुरु श्री अनिरुद्ध जी के मार्गदर्शन में शाम 5 बजे सत्संग की शुरुआत हुई। एक बड़े हॉल में सब लोग इकट्ठा हो गए। 22 सितंबर इस दिन का महत्व बताकर बापू ने अपना प्रवचन शुरू किया। इस अमृत मंथन पर्व पर अनिरुद्ध जी ने सबसे शिव गायत्री मंत्र का जप करवाया। सारे भक्तों के हृदय में भक्ति का अमृत मंथन होना चाहिए और भक्ति रस का वह आनंद देने के लिए साईनाथ जी समर्थ है, ऐसा बापू ने कहा। शुरुआत में साई गायत्री मंत्र की उपासना की गई। अनिरुद्ध जी ने गायत्री मंत्र का महत्व बताकर श्री साई गायत्री मंत्र की महिमा भी स्पष्ट की। वह मंत्र था, ओम भूर्भुवस्वः ओम साईनाथाय विद्महे पूर्ण पुरुषाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात। ओम। इस मंत्र का जप सद्गुरु श्री अनिरुद्ध जी ने सभी श्रद्धावानों से करवाया। साथ ही श्री साईनाथ जी की मक्खन से बनी पादुका पर श्री चौबल आजोबा और चौबल आजी ने 108 तुलसी पत्र अर्पण किए। सद्य पिपा श्री अप्पा दाभोलकर और सौभाग्यवती मीनावेनी दाभोलकर जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया था। उस समय बापू के साथ सभी ने जिस शिव गायत्री मंत्र का जप किया वह मंत्र था, ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात। ओम। इसके बाद सबने साई भक्तों का स्मरण करते हुए जिस गजर का घोष किया वह गजर था, दीक्षित श्यामा हेमाड़ बाईजाबाई नाना गणु मेघश्याम, इनकी राह पर चलते चलते मिल जाएंगे साई राम। इस पद गाते समय सारे श्रद्धावान देहभान भूलकर नाच रहे थे। रात 3:20 पर सदगुरु श्री अनिरुद्ध जी ने बोलना शुरू किया और वे 4:40 तक बोल रहे थे। बोलते समय बापू ने अपनी तथा अपने कार्य की संक्षेप में जानकारी दी। इस वक्त कुछ गिने चुने श्रद्धावान ही उपस्थित थे। श्री शिरडी रथयात्रा का दूसरा दिन बहुत ही संस्मरणीय साबित हुआ। बापू सभी श्रद्धावानों को शिरडी के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर यानी द्वारका माई, भगत मालसापति की समाधि, मारुति मंदिर, लेंडीबाग, दत्त मंदिर, श्याम सुंदर समाधि, खंडोबा मंदिर, कानिफनाथ मंदिर, माधवराव देशपांडे जी का घर, इन स्थानों पर ले गए और इन स्थानों की महिमा बापू ने सभी को बताई। दोपहर के भोजन की तैयारी पूरी हो गई। स्वयं परम पूज्य अनिरुद्ध, नंदाई और सुचित दादा ने अपने हाथों से सबको खाना परोसा। सद्गुरु के द्वारा प्यार से परोसे गए
उस प्रसाद रूप भोजन को ग्रहण करके सभी तृप्त हो गए। ज्येष्ठ साई भक्त श्री शंकर हरिभाव चौबल, मीना वैनी और सद्य पिपा आप्पा दाभलकर को श्रीफल और शाल देकर बापू के द्वारा सम्मानित किया गया। सभी को बापू और नंदाई ने अमृत का प्रसाद दिया और फिर आद्य पिपा श्री सुरेश चंद्र दत्तोपाध्याय जी के हाथों 5 श्रीफल श्री साईनाथ जी के चरणों में द्वारका मई में अर्पण किए गए। साईनाथ जी का दर्शन करके शिरडी रथ यात्रा की परिपूर्ति हो गई। सबके मन में एक ही गजर झंकारित हो रहा था। हरिओम।